मनोज को गांव के ही रहने वाले हैं। गांव के रहने वाले। अब की बार क्या मन बना रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? भाई हम बीजेपी के फैन है, खरड़े मोदी करड़े फैन है, कत्ते करड़े फैन है, वोट देंगे बीजेपी का। अच्छा, पर उसका एक चांस है, अगर बीजेपी टिकट दे देवेंद्र कादियान था तो वो बिल्कुल आसानी से निकट जाएगा। अगर कहीं और गई तो टक्कर आया रह भी जाओगी। आइए, रोजगार का मुद्दा उठावे। रोजगार के मुद्दे में क्या है कि मेरे गांव में 2014 से पहला 4-5 नौकरी थी, वो भी पैसे वाली। अब ग्राउंड में दीवार पर पोस्टर लिखे नाम उनके, करीबन 126 नौकरियां हैं 10 साल में 126 भाई 126 सरकारी नौकरियां हैं 10 साल के बाद बाद की 126। सच कह रहे भाई साहब। अभी चलो, कितने वोटर्स कितने हैं गाँव में? गांव में वोटर करीबन है 4000 के आसपास। 4000 के आसपास वोटर्स हैं और 126 नौकरियां पिछले बीजेपी के राज में 10 सालों में। और कुछ बालक तो पैसे कितने दे करके लगे हैं? पैसे देने वाले बच्चे कितने? मैं कंधा होता सब 126 बालकों ने यहाँ बुला दूँ मेरे ग्रुप में है जो उन मतलब कोई एक नुका देना मैंने पैसे दिए हैं तो भाई हम अपनी ये नौकरी छोड़ देंगे। ठीक, बिना पैसा बिना पैसे नौकरी है सबकी। अच्छा, और अगर ना यकीन हो तो मेरे ग्राउंड है यहाँ पे आगे शहीद भगत सिंह स्टेडियम, उसमें दीवार पर नाम लिखे हैं बकायदा हर एक बालक का डिपार्टमेंट वाइज कौन सा किस में लग गया है। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब कि इतनी ज़्यादा नौकरियां आप बता रहे हैं बिना खर्चे बिना पर्ची के लगे हैं, क्या कांग्रेस के राज में भी नौकरियां तो उस वक्त भी लगती थी? उस वक्त पैसे देकर नौकरी लगती थी भाई, जिसकी जान भी जान है अच्छे ऊपर तक पहुँचा है, एक दो MP MLA का बालक लग जाता और वो भी एक दो ही वैकेंसी हमारे जो गाँव में लगे थे ना बड़े मुश्किल था, 4 वैकेंसी मैंने बता दिया, 4 थी उससे पहला जो हमने नहीं पता था, क्योंकि ये बोलते थे कि भाई नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए तो MP ML तक पहुँचो पहला, जिसकी जान पहचान है वो उसका ही मिलेगा जी। अब ऐसा है जो बालक पढ़ रहे हैं अच्छे लिख रहे हैं उनकी नौकरी फट देने ही लग जाए, कहने के मतलब खुश हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो टिकट है बीजेपी का, कौन से कैंडिडेट का टिकट होना चाहिए जो यहाँ से अच्छी जीत में होगा? सबसे बढ़िया ये वाला जो पोजीशन है देवेंद्र कादियान की है। और मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस से कौन सा ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो अच्छा चुनाव लड़े? कांग्रेस तो कोई भी हो, हमने इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हमने बीजेपी का देवेंद्र कादियान का वो वहाँ तो कोई भी आया जो कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस का, अगर देवेंद्र कादियान का टिकट देवें तो, अगर इस तरह नहीं मिली तो फिर उनका कोई भी बन जाएगा, कांग्रेस का कोई भी बन जाएगा, किसी से भी टिकट देंगे ना उनका कोई भी बन जाएगा फिर। अच्छा, ये है। चलिए, फिलहाल देखिए उस साइड में तो थोड़ा सा चलते हैं, उधर भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, आ जाओ। फिलहाल देखिए यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश की कि कैसे विधानसभा चुनाव को लेकर जो वोटर्स हैं वो सोच रहे हैं कि अब की बार कैसा चुनाव होने वाला है। आ जाओ इस साइड में आ जाओ। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई, गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, गांव के रहने। तो अब की बार क्या मन बना रहे हैं विधानसभा चुनाव में, कौन सी पार्टी से विधायक बनाना चाहते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करें और गांव में भी विकास करें? भाई हम भाजपा का वोट देंगे। अच्छा, हाँ बीजेपी को चाहते हैं? बीजेपी को, कोई और पार्टी क्यों नहीं, बीजेपी ही क्यों भाई? इसमें के स्पार्क लगवाने की जरूरत नहीं, आगे ताकि काम हो। अच्छा, अगर तू डायरेक्ट जाएगा अपने काम करवा सका, इसमें को ना बस पास लगवानी है वो करवाना ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट जा अपने काम करवा, यह बात है। डायरेक्ट जाओ काम करवाओ, काम करवाओ, कुछ काम रुक जाओ यार, इतनी यार बीजेपी वालों ने इतनी सुविधा दे रखी है आज के दिन। हाँ, और के लेंगे मेरे भाई, सुविधाएं अच्छी हैं बीजेपी के। हाँ, ठाट आ रहे हैं भाई, गति ठाट आ रहे हैं, गति ठाट आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि जो कांग्रेस से टिकट होगा कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा जो अच्छा चुनाव लड़ेगा, क्या लगता है कांग्रेस से भाई साहब? कहता है दोबारा बता, कांग्रेस से कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा जो अच्छा चुनाव लड़ेगा यहाँ पर? कांग्रेस तो हमने 9 महीने बेरा कांग्रेस तक कौन आओगा ना, मतलब रखते कांग्रेस से? कांग्रेस से मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कोई आओ कोई मतलब ही नहीं रखते हम तो। अच्छा, आपके यहाँ विधायक MLA निर्मल चौधरी जी रही, कुछ विकास करवाया आपके यहाँ? ना, कोई विकास नहीं करा, फिर भी वोट बीजेपी दे देंगे, कोई विकास नहीं, कड़ी तक ठाके देख ले पूरे गन्नौर में मरे में, और फिर भी हमारी वोट बीजेपी तो जाएगी भाई। ये क्या कारण भाई साहब, विकास हुआ नहीं बीजेपी के राज में? ठीक है, इसने नहीं कराया, कोई और आओगा कोई और कराओगा, इसके हाथ में इतनी पावर नहीं थी इस बार, लेकिन सरकार बीजेपी की रही, विधायक MLA आपके यहाँ बीजेपी से रहा, फिर भी विकास नहीं? हाँ, विकास नहीं हुआ भाई, तो फिर भी चाहते हैं बीजेपी से? हाँ, बीजेपी तो आगे होगा उम्मीद हमने, ठीक है उम्मीदें हैं फिर भी बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से तो उम्मीद है बस। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर मेरी बात सुनिए, चलो
कोर्ट का फैसला आ गया, मैं सरकारी भर्तियाँ लिख रही थी भाई मेरी, मैं लाइब्रेरी चलाया करूँ, ठीक है, लाइब्रेरी मेरा एक साल नहीं होया था, मेरे पास 60 सीट है लाइब्रेरी की, उन 60 सीट में ना 6-9 महीने के बीच में मेरे ना 25 प्लस बालकों ने सरकारी नौकरी मिल गई आपके। हाँ, या लाइब्रेरी रही है ऊपर देख। जी जी जी, या ऊपर देख लाइब्रेरी है। तो अरबी ना किसी का कोई रुपया लग गया, ना किसी कोई सिफारिश लग गई, बिना पैसे दिए, पैसे के 25 प्लस 60 बालकों में था 25 प्लस लग गए मेरे। और क्या चाहिए और भाई, भाई बीजेपी सरकार था तुमने भाई साहब, ये तो बड़ी गजब की बात है कि 60 बच्चों में से 25 आप। हाँ, कुछ बात टूट गई है, कोर्ट ने फैसला बदल दिया, अभी दोबारा पेपर होंगे, इबी भी जाकर देख मेरे बच्चे पढ़ ना कर रहे हैं, आठ का फिर तैयारी कर रहे हैं, वही बच्चे जो लगे थे दोबारा फिर तैयारी कर रहे हैं। और बीजेपी तो और केले होंगे बिना पीछे यार, मेरे 6 महीने में यानी कि साल पूरा नहीं होया था 25 प्लस सरकारी नौकरी लग गई मेरे धोरे था, मेरे काम को आंट की, ठीक है, आसपास के काम पर तो बच्चे आए हैं मेरे पास, ठीक है, 60 सीट है तो मतलब 50-55 बालक थे उस टाइम पे जिस टाइम भर्ती हो रही थी यार, आधे बच्चे लग गए और मैंने क्या चाहिए, और हमने बीजेपी सरकार तो क्या चाहिए थे भाई। तो बीजेपी के राज में ही संभव है, संभव है, कांग्रेस कांग्रेस के ये एक नहीं लग गया था, सारे सिफारसी लगते फिर। अच्छा, हाँ नहीं, कांग्रेस के राज में भी नौकरियाँ लगी हैं उस वक्त भी यार, पैसे देकर लगी, थाले कितनी गिन वाले, पैसे देकर लगी है भाई उस टाइम, ऐसा मतलब पैसा वैसा चल रहा, पैसा चल रहा था, दबा का चला था, तो अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, ये यार मेरे पास तो प्रूफ रहा यार, किसी का एक पैसा लगे हो तो बता दे रहे अंदर बैठे बच्चे। जी 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 जी, तो अब की बार फिर मन बना रहे हैं अब की बार फिर के यहाँ से बीजेपी से ही विधायक बने, और सरकार की बात करें तो हरियाणा में सरकार भी बीजेपी की आ रही है, सरकार भी बीजेपी चाहते हैं, और आईली बीजेपी के साथ आ गई यार दोबारा, बिल्कुल, और किसी है, बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? सतीश कुमार नाम है भाई। अच्छा, गांव के ही रहने वाले हैं? गांव के से। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी से चाहते हैं विधायक बने आपके? विधानसभा अपनी बीजेपी से ही चाहते हैं भाई विधायक, बीजेपी से चाहते हैं। हाँ, बीजेपी। क्यों बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? और पार्टी क्या, और पार्टियों ने भी कुछ नहीं किया, ठीक है, बीजेपी ये है कि जैसे अपना अब की बार यहाँ से हमारा जो नया उभरता हुआ सितारा है देवेंद्र कादियान जी, ठीक है, गांव की तरफ पूरा ध्यान देता है, जैसे फिर एम्बुलेंस छोड़ रखी है, अच्छा, ठीक है, किसी भी गरीब आदमी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है, ठीक है, तो हर आदमी के साथ खड़ा रहता है, अच्छा, ठीक है, उसके दुख सुख में पूरा साथ देता है, हर आदमी के साथ दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। अगर हमारे जैसे यंग बच्चे चले जाते हैं, लड़के चले जाते हैं, तो बैठ के सुनता है, और किसी भी विधायक या सांसद के पास आप चले जाओ तो घंटों तो बाहर ही बैठे रहते हैं। अच्छा, मैं बात करूं, देखिएगा पिछली बार भी चुनाव में नाम था कि टिकट इनका होने वाला है, लेकिन ऐन मौके पर टिकट कट गया। ये अभी खड़े होते तब भी जीतते, ठीक है, वो तो इनका बेस्ट बैड लक था, पता नहीं किस वजह से इनको टिकट नहीं मिल पाई, ठीक है, इस वजह से ये पीछे रहे। सब मैं बात करूं, जैसे पिछली बार टिकट कट गया, कहीं कुछ अब की बार ऐसा ना देखने को मिल जाए? बस भाई देखो, उस चीज़ के लिए तो हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, वो तो पार्टी ही डिसाइड करेगी कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। अच्छा, लेकिन इसके काम को देखते हुए तो टिकट के दावेदार देवेंद्र कादियान जी। तो वो कुलदीप शर्मा का भी काफ़ी अच्छा दबदबा और नाम बताया जाता है, कुलदीप शर्मा का भी दबदबा, लेकिन अब जब यहाँ से टिकट ही नहीं मिला तो उनको फिर कुलदीप शर्मा करे क्या, ठीक है, अब जैसे राहुल गांधी बोल खटाखट 8500 आएंगे, कहाँ गए खटाखट, हैं, अब की बार तो काफ़ी सांसद उनको 99 प्लस सांसद मिले हैं, बिल्कुल, अभी भी फिर वो एकदम कैसे वो चुप हो गया, कहाँ गई वो खटाखट, पूरा ध्यान रखते हैं भाई साहब। अरे यार, पूरी न्यूज सुनते हैं तो पूरा ध्यान भी रखते हैं, ठीक है। तो फिर अब की बार फिर मन है कि बीजेपी से, बीजेपी से सांसद हो। चलिए, फिलहाल देखिएगा यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो वोटर्स हैं वो क्या कुछ सोच, आ जाओ थोड़ा सा। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। गांव के रहने वाले हैं? गांव के ही हैं भाई। अच्छा, अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं, कौन सी पार्टी से विधायक होना चाहिए? बीजेपी की तरफ से होना चाहिए वो ज़्यादा। बीजेपी ही क्यों, मतलब कांग्रेस क्यों नहीं या फिर कोई और पार्टी क्यों नहीं? कि कांग्रेस पीछे 10 साल पहले रही थी। जी जी जी। पर वो बात नहीं थी कि कांग्रेस में भाई गुंडागर्दी ज़्यादा थी, लेना देना वो सब उल्टे ज़्यादा वो काम थे। अब क्या है कि अब एक तो क्राइम भी बहुत है, बहुत कम है, मतलब कंट्रोल में है, बहुत कंट्रोल में। अच्छा।
तो जैसे PCR पहले गांव में एक भी नहीं आती थी, अब 3-4 तो रात के चक्कर है PCR के। 3-4 गेड़े लगाती है, चक्कर लगाती है। हाँ, 3-4 चक्कर रोज के गांव में, इस गांव में नहीं, और भी आसपास में। जी 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 जी। तो वो भी है, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है। जी जी। और अब हम तो, हमारी तो एज होगी और लिमिट होगी, तो आजकल बच्चे बिना पैसे के लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हाँ कि सरकारी नौकरी बिना पैसे के लग रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस के समय में भी लगते थे, वो पैसे दे के लगते थे भाई। अच्छा, वो सब पैसे दे के हम तो जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम 19-20 साल के थे, जी जी जी, तो उस टाइम बिना पैसे के कोई लग ही नहीं सकता। मान लें मेरा जुगाड़ नहीं है तो मैं तो नहीं लग सकता, सारी चीज़ है मेरे अंदर, लेकिन लगे नहीं। ये मेरे साथी है, नहीं लगाए, कमी है किसी चीज़ की, हाइट में। वैसे सवेरे 5-5 किलोमीटर तो हम रेस लगा के आते थे उस टाइम, इकट्ठे थे सब, लेकिन पैसे नहीं थे, लगे नहीं हम, पैसे होते तो लग जाते। आज बिना पैसे हमारे गांव में कम से कम 100 या 150 बच्चे बिना पैसे के लगे हुए हैं। अगर कहीं मन में ये भी है कि आपका समय ऐसा होता तो आप भी लग जाते, आप हम लग जाते उस टाइम, हमारे में कोई कमी नहीं थी, आज भी नहीं है। हमारे समय में तो जी जी, तो पैसा भी एक बहुत उस टाइम वो था कि पैसा नहीं था तो नहीं लगे। अब उस एज को वहाँ तो नहीं ले जा सकते ना कि भाई वहाँ जाके अब हम दोबारा, अब वो कर ही नहीं सकते हम, या तो जॉब करेंगे या कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर गन्नौर विधानसभा में घूम रहे हैं। हाँ जी नमस्ते ताऊ जी, गाँव के ही रहने वाले आप जी? हम तो बगल के, बाहर से हैं। आपका विधायक MLA कौन बनता है? हमारे यहाँ तो मुसलमान ही बने विधायक, MLA। MLA कहाँ? गन्नौर से बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? नहीं, हम हैं यूपी के। यूपी से हैं आप? अच्छा, यहाँ रिश्तेदारी में आए हैं। हाँ जी, हाँ। चलिए फिलहाल देखिएगा यहाँ पर लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि कैसे चुनाव को लेकर जो वोटर्स हैं वो सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में, अश्विनी कुमार जय।